बच्चे आज का क्वेश्चन नोट कर लें, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फॉर द बफर, कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट बफर कंटेनिंग वन मोल ऑफ ईच कंपोनेंट के ए ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन टू यू। अच्छा सबसे पहले आपको देखिए जी, आपने पीएच फाइंड करना, मैं डाटा अरेंज कर रहा हूं, पीएच क्वेश्चन मार्क, इसके तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, पहले मैं पहला पार्ट शुरू कर रहा हूं। अच्छा भाई पीएच फाइंड करना है और हमारे पास इसकी के ए वैल्यूज गिवन है, दैट्स इक्वल टू 1.8 × 10⁻¹⁵। और बच्चे इसके अलावा आपसे उसने एक और इंफॉर्मेशन दी है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों की मोलैरिटी गिवन है, मतलब मोलैरिटी मीन कंसंट्रेशन गिवन है। तो बच्चे आपको कंसंट्रेशन गिवन है एसिटिक एसिड की, फॉर्मूला होता है CH3COOH, दैट्स इक्वल टू 1 मोलर, मतलब 1.0, मतलब 1 मोलर, और दोनों की सेम है। और साल्ट की गिवन है, सोडियम साल्ट गिवन है, सोडियम एसिटेट इज गिवन टू यू 1 मोलर एज वेल। ठीक है, इसका मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट ए। इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, आप डाटा अरेंज कर लो सब बच्चे, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट पीएच क्वेश्चन मार्क, और एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर 1 मोलर, और इसके अलावा आपको के ए वैल्यूज गिवन है। अच्छा हम लोगों ने कल डेरिवेशन की थी हेंडरसन इक्वेशन की, द फॉर्मूला इज पीएच इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। साल्ट यहां बच्चे कौन है? सोडियम एसिटेट। साल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन, तो साल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन। तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया, नाउ पुटिंग द वैल्यूज। सबसे पहले आप चेक करो, आपको न्यूमेरिकल में के ए गिवन है, तो पहले बच्चे आपको निकालना पड़ेगा पी के ए, दैट्स इक्वल टू फॉर्मूला बच्चे हमारे पास था माइनस लॉग ऑफ के ए, माइनस लॉग ऑफ के ए। तो आप यहां पर के की वैल्यू डाल दो, तो बच्चे आपका आंसर आएगा माइनस लॉग के ए इक्वल है 1.8 × 10⁵¹। कोई बच्चा इसको सॉल्व करके मुझे आंसर लिखवा दो। द आंसर इज जी बच्चा आपका आंसर आया 4.74, वेरी गुड जी। अच्छा इसको आप ना पीके का आंसर आया जी 4.74 पुट हेयर, तो आपका आंसर आ जाएगा पीएच का। तो अगर पीएच फार्मूला इज पीएच इक्वल्स टू पीके ए, दैट इज 4.74, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन आपने कितनी ली है जी, गिवन इन द क्वेश्चन 1, डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन 1, तो लॉग ऑफ 1 तो 0 हो गया, तो बच्चे पीएच का आंसर क्या आया 4.74, दिस इज द आंसर फॉर पीएच। पार्ट बी नोट कर लें, द क्वेश्चन इज फाइंड चेंज इन पीएच व्हेन 0.01 मोलर HCl इज एडेड। आपने 0.01 मोलर HCl डाला इस बफर में, तो पूछ रहे अभी पीएच इतनी है, तो एसिड डालने के बाद पीएच में क्या चेंज आएगा, एसिड डालने के बाद पीएच में क्या चेंज आएगा। तो मुझे इसका आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये आपके पीएच का आंसर आया सॉल्व करने के बाद, दैट इज 4.74, इसका आंसर ही आ चुका। मुझे इसको यहां से इरेज करना है। आप देखोगे आप इसका बफर बनाओ, एसिटिक एसिड का और सोडियम एसिटेट का बफर बनाए, तो अगर इसका बफर बनाते हैं ना बच्चे, तो बफर क्या बनेगा इसका, लुक एट दैट, मेरे पास एसिटिक एसिड है और सोडियम एसिटेट है, मैं इनका बफर बना रहा हूं। तो बच्चे बफर कैसे बनेगा, आप इसको आयनाइज करोगे तो आपका आंसर आएगा CH3COO- और H+, और इसका बच्चे बनेगा CH3COO- और Na+। ये आपने रफ साइड पे करना है जस्ट फॉर द कंसेप्ट। अच्छा आपने इसमें HCl डाला, तो आपसे पूछते हैं HCl डालने से पीएच में चेंज क्या आ रही है, तो आपने HCl डाला इसमें, तो ये आयनाइज कैसे होगा, H+ और Cl-, ठीक है, आयनाइज टू फॉर्म H+ एंड Cl-। अच्छा अब मुझे एक बात बताओगे, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बताएं CH3COOH की कंसंट्रेशन शुरू में डाटा में कितनी गिवन थी,
दैट इज 1 मोलर, और साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी गिवन थी, CH3COONa, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल, ये भी आपकी 1 थी। जी बच्चे मैंने दोनों की कंसंट्रेशन लिख दी है। अब आपसे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 ध्यान से करना पड़ेगा। H पॉजिटिव आयन यहां पर मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है, कॉमन आयन है। H पॉजिटिव थे ऊपर से और आ गए तो इसकी अमाउंट इंक्रीज हो गई, तो रिएक्शन 1 बैकवर्ड जाएगा और Cl नेगेटिव Na को रिमूव करेगा तो आपका रिएक्शन 2 फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन 1 बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन 2 फॉरवर्ड जाएगा। तो मेरी बात सुनना गौर से, जब रिएक्शन 1 बैकवर्ड जाएगा तो एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जस्ट ये बता दें। इंक्रीज करेगी, वेरी गुड, क्योंकि देखें रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है तो इसकी अमाउंट बढ़ेगी। तो आप इसमें ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो, आपने HCl कितना डाला 0.01 या आपने ऐड किया 0.01, तो मुझे नई कंसंट्रेशन क्या बनी 1.01। सिमिलरली अब मुझे बताएं Cl नेगेटिव इसको रिमूव करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो इसकी अमाउंट क्या होगी लेस, तो माइनस कर देंगे 0.01। तो बच्चे क्या आंसर आएगा, जरा माइनस करें 1 - 0.01, व्हाट इज द आंसर, ठीक है आपने इसको माइनस किया बच्चे आपका आंसर आ रहा है 0.99। अच्छा अब क्या करेंगे आप, आपको पीएच फाइंड करना है, आपको दोबारा पीएच फाइंड करना है। अच्छा फॉर्मूला फिर वही लिखाएंगे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड, और आपने pKa का आंसर निकाला 4.74, तो आप निकाल चुके तो यहां वैल्यू पुट करते हैं। मुझे बताएं जी लॉग ऑफ साल्ट की नई कंसंट्रेशन कितनी आई है, दैट इज 0.99, और बच्चे एसिड की कंसंट्रेशन आई है 1.01। इसको सॉल्व करें और मुझे फाइनल आंसर लिखवाएं, पीएच का फाइनल आंसर, एसिड डालने के बाद पीएच का आंसर में कितनी चेंज आएगी, श्योरली पीएच में कमी आएगी क्योंकि आपने एसिड डाला है ना, तो एसिड से पीएच कम होती है 4.73। पार्ट सी सॉल्व कर रहा हूं जी, मैं इसको रेज करने वाला हूं। द पार्ट सी इज दैट इज फाइंड चेंज इन पीएच व्हेन 0.01 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। अब बच्चे आपने इसमें NaOH ऐड कर दिया, रिएक्शन सेम है, बफर सिस्टम सेम है। जब आपने NaOH ऐड किया तो मुझे बताएं NaOH आयनाइज कैसे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइजेस टू फॉर्म सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब मुझे बताएं रिएक्शन 1 फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, जब आपने NaOH डाला इसके आयंस बने सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयंस कॉमन है तो रिएक्शन 2 बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन 2 बैकवर्ड जाएगा क्योंकि Na की अमाउंट ज्यादा हो रही है, रिएक्शन 2 बैकवर्ड। OH नेगेटिव H से अटैक करेगा, H को रिमूव करेगा तो 1 फॉरवर्ड जाएगा 2 बैकवर्ड जाएगा। अच्छा अब देखो जरा, जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो एसिड में कमी आएगी तो हम कर देंगे माइनस, और इसमें इंक्रीमेंट आएगी हम करेंगे प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.99 और 1.01। अच्छा अब यहां इसकी वैल्यू डाल दें, इन वैल्यूज को पुट करें, गेन सेम फार्मूला, हमें अब क्या पुट करना है, एसिड कंसंट्रेशन और साल्ट, साल्ट की ऊपर पुट करनी है एसिड के नीचे, तो मुझे साल्ट कंसंट्रेशन है 1.01 और एसिड कंसंट्रेशन है 0.99। आपने सेम सारा सॉल्व करना है, मुझे आंसर लिखवाएंगे, व्हाट इज द आंसर 4.75। तो चेक करें आपने इसमें एसिड डाला, आपने इसमें बेस डाला, तो चेंज क्या आया, pH वैल्यू 4.74 थी, बेस ऐड करने से 4.75 होगी, देयर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज। तो बफर की डेफिनेशन समझ आ गई जी आज न्यूमेरिकली, कि आपके pH वैल्यू में कोई बड़ी चेंज नहीं आती, स्मॉल चेंज आ सकती है।